एक छोटा सा उदासी का विचार मन में आ जाए तो आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। सुबह सुबह किसी भी चीज़ के लिए अगर आप उदास हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, बेवजह, कोई वजह है या नहीं है ये पता नहीं आपको, या यूं ही किसी पुरानी बात को सोचने लग जाते हैं और उन बातों में दुख होता हो, तो उस वजह से अगर आप थोड़ी देर, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट तक परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं और आपके दिमाग में वो सारे उदासी के विचार चल रहे हैं, तो आप उस तरह के दूसरे और विचारों को अपने जीवन में आकर्षित करने लग जाते हैं और दिन भर लगभग वैसे ही विचारों के साथ आप घिरे रहते हैं और दुख फील करते रहते हैं। एक अनजाना सा डर, एक अनजानी सी चिंता, एक उदासी, घबराहट, कहीं कोई ऐसी सोच या परेशानी वाली कोई बातें, कोई भी बात, तो वो आपके दिल में, आपके सोलर प्लेक्सस पे यानी कि पेट में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और उस वजह से जो दूसरे काम बनने चाहिए वो बन नहीं पाते हैं, बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में रहकर, उन विचारों के साथ रहकर आप दिन में जो भी काम करेंगे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, तो उन सारी चीज़ों में आपका मन नहीं लगेगा। आप कहेंगे मेरा मन नहीं लग रहा, आज मूड नहीं है, आज कहीं घूमते हैं, आज मैं परेशान हूँ, आप में उलझा हूँ, या पता नहीं क्यों मैं बड़ा अंदर ही अंदर उदास फील कर रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ, मैं किसी फ्रेंड के पास जाऊँ, तो ये सारी चीज़ें जब होने लगती हैं आपके दिमाग में, तो आपका जो पूरा दिन का रूटीन है वो बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। आप जिससे भी मिलेंगे अपने फ्रेंड से, तो आप उससे भी उसी उदासी की बातें करेंगे, यार क्या बताऊँ, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो पूछेगा, अच्छा ठीक है बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, तो आप उसको बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको खुद पता नहीं है कि आप उदास हो तो उसका रीज़न क्या है। फिर आप सोचोगे कि यार 2 साल पहले मेरे भाई ने मुझे बहुत धोखा दिया था, वही सोच रहा हूँ यार, लोग अच्छे नहीं हैं, बड़े परेशान करते हैं, ऐसे धोखेबाज लोग हैं, इस तरह की गुलमुल बातें आप करेंगे, और इन बातों का क्या रिजल्ट आएगा? आप अपनी उदासी और चिंता तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ में आप अपने फ्रेंड की चिंताएं और उदासियां बढ़ा रहे हैं, उसको भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि आप जो गंदगी अपने माइंड के अंदर लिए हुए हैं वो सारी गंदगी अपने फ्रेंड के ऊपर उड़ेल रहे हैं, उसको आप उसी गंदगी से नहला रहे हैं, आप उसके अंदर वही गंदगी भर रहे हैं। आप तो गंदे हैं, उसके ऊपर भी गंदगी भर रहे हैं। सपोज कीजिए कि होली के दिन जो परंपरा चली आ रही है कि एक दूसरे के ऊपर रंग डालना है, कपड़े रंगने हैं, कीचड़ भी डालते हैं लोग, तरह तरह के केमिकल वाले बने हुए रंग डालते हैं, चेहरे पे मल देते हैं, वो तो खुद गंदे रहते हैं, ठीक, और जो उनके साथ आता है आसपास का कोई जानने वाला अनजाना, उसको भी रंग डाल के भर देते हैं, उसको भी गंदा कर देते हैं, क्योंकि वो गंदे हैं। रंग डाल के कपड़ा गंदा करना, शरीर गंदा करना, चेहरा गंदा करना, स्किन खराब करना, बीमार हो जाना, उसके अंदर तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, और कीचड़ फेंकना, ये सब भी लोग करते हैं होली के दिन, और जो गुलाल लगाते हैं उस गुलाल में भी तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, उन सारी चीज़ों से आपकी तबीयत खराब होती है और आपका शरीर खराब होता है और आपके कपड़े खराब होते हैं, तो उस दिन क्या होता है, सभी गंदे होते हैं और दूसरे को भी गंदा कर देते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास गंदगी है वो दूसरे को गंदगी ही देगा, जिसके पास उदासी है, चिंता है, वो दूसरे को उदासी और चिंता ही देगा। तो आपको क्या उदासी ही चाहिए बार बार?
अपने आप से और दूसरों से भी। तो आप बार बार उदास रहिए तो दूसरे ऐसे उदास लोग भी आपसे मिल जाएंगे और आपका फ्रेंड भी कहेगा हाँ भाई मैं भी बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से एक दो चार जो भी आपसे मिलने वाले हैं वैसे ही लोग मिलते रहेंगे और वैसे ही बातें करेंगे, उसी तरह की परेशानी वाली उलझने वाली बातें करेंगे। लेकिन क्या आप उदास रहना चाहते हैं? क्या आप चिंतित रहना चाहते हैं, बीमार रहना चाहते हैं, गंदे रहना चाहते हैं? नहीं, ये सब कुछ नहीं चाहते हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। तो अब इसका मतलब ये है कि आप अपनी उदासी को अच्छे एहसास में बदल दें, अच्छे एहसास में बदल दें। कुछ अपनी मनपसंद का कोई गाना गाएं, या किसी बच्चे को हंसते हुए देखकर हंसें, या बस आप हंसते ही रहें। आपकी उदासी एक क्षण में ही, एक सेकंड में ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे आपकी खुशी आ जाएगी, अच्छी फीलिंग आ जाएगी। तो उदास रहने से तो अच्छा है कि खुश रहें और खुशी पैदा करने वाले लोगों से मिलें, राइट? तो आपका जीवन खुशियों में बीतेगा। शॉर्ट एंड स्वीट में हमने एक ऐसी बात बताई जो कि कॉमन है और लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम है। तो खुश रहने के लिए कुछ एक ऐसा तरीका ढूंढें जिस तरीके में आप खुश रह सकते हैं। खेलना शुरू कर दें, कूदना शुरू कर दें, दौड़ना शुरू कर दें, कोई मनपसंद का गाना सुने, म्यूजिक करें, डांस करना शुरू कर दें, या पार्टी में जाएं, क्लब में जाएं, कुछ ऐसा थोड़े देर के लिए करें। ये नहीं कि बार बार ऐसा ही करते रहें, ये सब खुशी के रीजंस हैं, थोड़े बहुत आपको खुशी दे सकते हैं लेकिन हमेशा खुश नहीं रह सकते हैं। तो आप अपनी इस उदासी की अवस्था को चेंज करने के लिए अपने आप को ऐसे कामों में थोड़े समय के लिए इन्वॉल्व कर लीजिए, या कुछ भी नहीं तो आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं आधे घंटे के लिए, रिलैक्स होकर आके फिर अपना काम करें। ये सारी चीज़ें हैं अपने आप को खुश रखने के तरीके। तो इस छोटी सी वीडियो में आपको ये मैसेज दिया। गॉड ब्लेस, थैंक यू।